वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सैयद जमा से, हु इज़ एन आर्ट रिपोर्टर फॉर CNN IBN चैनल। अच्छा, सो व्हाट इज़ लाइक द करियर पाथ लाइक इन लाइक आर्ट जर्नलिज्म फॉर एग्जांपल? आई थिंक इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स पिकिंग अप बिकॉज द आर्ट सीन इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। आई थिंक वेरियस चैनल्स में, आई वुड लाइक टू, सिंस यू ब्रॉट इट अप, आई लाइक टू से दिस कि वेरियस चैनल्स में कल्चरल रिपोर्टर्स होते हैं, फीचर्स रिपोर्टर्स होते हैं, बट हमारे चैनल ने स्पेशलाइज्ड एरियाज शुरू किए हैं। लाइक आई एम द ओनली आर्ट रिपोर्टर फॉर माई चैनल, वन ऑफ द आर्ट, आई मीन आई एम नोन एज एन आर्ट रिपोर्टर। दूसरे चैनल्स में यू वुड जनरली बी नोन एज अ जनरल फीचर्स रिपोर्टर और अ कल्चरल रिपोर्टर। जैसे हमारे में एक आर्ट रिपोर्टर है तो एक म्यूजिक रिपोर्टर अलग है, तो फिल्म रिपोर्टर्स अलग, एब्सोल्युटली बॉलीवुड फिल्म रिपोर्टर अलग है, तो स्पेशलाइज्ड फील्ड्स ये बन गई हैं। और आर्ट रिपोर्टर आजकल होना, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं इस टाइम पे इंडिया में एक आर्ट रिपोर्टर हूँ जिस वक्त इंडियन आर्ट मार्केट इतनी बढ़ रही है और इंटरनेशनली इतनी इसका इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है। फैंटास्टिक। अच्छा सर, एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे नाज़रीन, एक और छोटा सा ब्रेक हमें लेना है। वैसे कहीं जाइएगा नहीं, बात यह है कि थोड़ा सा अपना कोई जल्दी से काम करें और फिर ज्वाइन अस अगेन, क्योंकि अभी मजीद बहुत इंटरेस्टिंग बातें हमारी चल रही हैं। अभी तक तो ये गपशप चल रही थी कि व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल आर्टिस्ट, के वो कमर्शियल हो रहे हैं, अब आके बात करते हैं जो अभी भी थोड़ी बहुत कर रहे थे कि व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल जर्नलिस्ट, और आप अगर ये करियर चाह रहे हैं तो आपने क्या ट्रेट्स होने चाहिए। जल्दी से जाइए और जल्दी से वापस आ जाइए। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, ब्रेक से पहले बात कर रहे थे सर अबाउट पीपल हु वांट टू बिकम जर्नलिस्ट, सो गेट इनटू व्हाटएवर कैटेगरी ऑफ जर्नलिज्म दे वांट टू गो इनटू। तो यू सेड के एक ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म पे एक कोर्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक स्किल सेट आपको सिखाते हैं और उसके बाद इंटर्नशिप एक दूसरी चीज है जो बहुत जरूरी प्रोसेस है। राइट। अच्छा, कमिंग बैक टू काइंड ऑफ द आर्ट सीन, आई नो के आप भी अभी ब्रेक में मेंशन कर रही थी कि अंजुम राणा वाज in India recently with which I think she's phenomenal, truck art ke liye jo kiya hai unhone, so how was that, how was it meeting her, unko kis kisam ka reception wahan mila? I think I'm very glad to have met her and crossed paths with her and pata lagana ke unka kya effort raha hai to promote truck art, and it's something very unique. Aur India mein jab wo aayi thi Delhi exhibition karne, to it was a very warm response, media coverage bahut thi aur unka khud ka business response mashallah bahut acha tha, aur unko jaan ke aur unka kaam jaan ke I noticed ke is baar jab main Karachi aayi, maine truck art jitne bhi buses ja rahi aur truck ja rahi usko aur gaur se notice kiya ke ab kya, because she was saying ke कैसे ग्रेजुअली दैट शी स्ट्रगलिंग टू ब्रिंग दैट काइंड ऑफ आर्ट इन टू मेन स्ट्रीम, तो सो आई नोटिस हाउ इन ट्रक्स एंड बसेस ग्रेजुअली वो आर्ट कम होता जा रहा है और इतना है नहीं आर्टिस्टिक जितना होता था, सो आई एम वेरी ग्लैड टू नो हर एंड यू नो टू नो अबाउट दिस काइंड ऑफ आर्ट विच इज सो ट्रेडिशनली ऑफ द बॉर्डर एरियाज ऑफ पाकिस्तान एंड विच इज सो एथनिक। बिल्कुल, अभी तो तुम कराची में हो ना, अगर तुम पिशावर वगैरह एबटाबाद साइड पे जाओ ना, तो वहाँ पे तो बहुत ही थ्राइविंग होते हैं, दे आर रियली ब्यूटीफुल ट्रक्स। ओके। एंड इट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि आई गेस अगर आप पाकिस्तान में ही रहते हैं तो आप नोटिस नहीं करते ना, बिकॉज आप हर दिन वो ही देख रहे हैं, यू नो हाउ ब्यूटीफुल दे आर, बट यू नेवर रियलाइज दैट इट्स सो यूनिक कि पाकिस्तान के अलावा ये कहीं नहीं होता, कहीं नहीं। या बट इवन इफ यू कम एज अ टूरिस्ट, आई थिंक वन ऑफ द नोन थिंग्स आर द ट्रक्स एंड बसेस, जिस टाइप का आर्ट होता है, बट आफ्टर नोइंग इन डिटेल अबाउट ट्रक आर्ट थ्रू अंजुम, आई स्टार्टेड नोटिसिंग पैटर्न्स एंड स्टाइल्स एंड कलर कॉम्बिनेशंस एंड ऑल, देख मगर प्यार से, एंड ऑफ कोर्स ऑल द मैसेजेस, of course all the very interesting punchlines aur sari shayari jo hai wo pata nahi kahan se soch kar late hain, azad shayari hum jise kehte hain, to wo to bahut hi, I remember jab wo hamare paas bhi aayi thi upar ghar singhar mein, to ek tray pe unhone likha hua tha dekh magar, and hum sab ne kaha ki is pe complete karne ka zaruri bhi nahi hai, you know, itni zarurat bhi nahi hai jhukna, kyunki hame pata hai ki it's dekh magar pyar se. So you feel ke wahan India mein bhi aise koi है, कुछ है आर्ट दैट इज डाइंग दैट यू फील के, बिकॉज कॉटन इंडस्ट्रीज वगैरह इंडिया की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, या सो डू यू फील देयर इज एनीथिंग देयर दैट्स सफरिंग और दैट्स नीडिंग रिवाइवल? There are certain kind of tribal arts which need to come into mainstream, which are dying out, क्योंकि मार्केट में इतनी बिक्री नहीं हो रही है. Certain kind of tribal art, I would say, needs that kind of a push.
is it more towards painting or is it more towards like making? I'd say it's everything. It's a little about textiles, a little about traditional crafts, say pottery. Yeah. हाँ यहाँ पे भी वैसे ये होता है कि शुक्र है बिकॉज ऑफ अंजुम शी इज काइंड ऑफ ब्रॉट दिस बैक एंड शी इज ब्रॉट इट इनटू योर होम एज वेल. तो ये भी नहीं कि सिर्फ ट्रकों को ही करके लाइक आई मीन इट्स अमेजिंग जो चैनल शी डज इट इन दोस टॉय ट्रक्स सो वी हैव द मिनिएचर ट्रक्स एग्जैक्टली एग्जैक्टली. लेकिन आप सोचें हाउ सैड इट इज बिकॉज पहले उनकी एक दुकान थी समसमा एंड इट बिकॉज पीपल वर्न्ट that interested she had to shut the shop down and is now selling from home and stuff. तो ये भी issues है कि it's interesting कि कहाँ investment के point of view से art जहाँ successful होता जा रहा है और लोग लाखों खर्च करना शुरू कर रहे हैं there are other arts that are really struggling which I feel one has to really really hold on to. Absolutely. तो any kind of suggestions about if one is traveling in India कि what one should see what one shouldn't miss as an art correspondent would you give our people any tips? Wow, there is so much to see in India. It's so frustrating because I don't know where to start. Itna kuch hai karne ko dekhne ko ke absolutely every I would say ke har I mean but for a great cultural experience like you know what would you suggest one should definitely see? Difficult one? So difficult. Of course, you shouldn't miss the Taj Mahal because it has art and architecture and everything into it. लेकिन होता है ना कोई ऐसी चीजें जो I mean Taj Mahal और Fatehpur Sikri और इन सब traditional structures and historic structures. Yes. If you want me to talk about art galleries that you should visit there, galleries or theatre there or some or little kind of जैसे होता है ना if you go to Italy then there are little things जो आपके locals आपको बताते हैं कि यार ये ना miss करना. I think Delhi if you're in Delhi you're very lucky. Delhi and Bombay क्योंकि उनका जो cultural scene is running all year long. Initially few years ago scene ये था कि जो गर्मी के महीने हैं जून जुलाई थोड़ा ऑफ सीजन होता है नहीं ओनली जून एंड जुलाई थोड़ा ऑफ सीजन होता है गैलरी शट डाउन करती हैं एंड ऑल दैट बट दैट्स नॉट हैपनिंग एनी मोर. यू हैव एग्जीबिशंस यू हैव प्लेज यू हैव एक्ट्स हैपनिंग थ्रू आउट द ईयर. सो इफ यू इन दिल्ली इन बॉम्बे एनी टाइम ऑफ द ईयर यू कैन कैच अप विद थिएटर यू कैन कैच अप विद आर्ट एग्जीबिशंस. आई कांट से दैट इट्स प्राइम सीजन सर्दियों के टाइम पे ज्यादा होगा बट इट्स नॉट दैट गर्मियों के टाइम पे बिल्कुल ही ऑफ सीजन हो जाएगा. यू कैन कम टू दीज प्लेसेज एट एनी टाइम ऑफ द ईयर टू कैच एनी फॉर्म ऑफ आर्ट. इट्स जस्ट ऑल ईयर राउंड नाउ. और इसे कोई सीक्रेट वो टाइप की जगह ही नहीं है कि यू नो जो सिर्फ लोकल्स को पता है और हम बेचारे टूरिस्ट वहां पहुंच जाएं यू नो गाइड मैप्स और लेके तो वील मिस आउट ऑन एनी काइंड ऑफ रियल ज्वेल्स दैट यू शुडंट मिस आउट ऑन. दिल्ली में कुछ आई मीन ऑफ कोर्स दिल्ली इज बीन अ हिस्टोरिक सिटी ऑल द वाइल हिस्टोरिक कैपिटल. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट द टूरिस्ट वुडंट नो एंड इवन अस लोकल्स वुड नॉट नो. सो गालिब का जो मजार है गालिब की जो लाइब्रेरी है वो जरूर देखना चाहिए है. एक नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है जिसमें पुराने हमारे जो आर्टिस्ट थे राजा रवि वर्मा अमृता शेरगिल जो अब नहीं है वो देखना है जी वो उनका काम है वहाँ पे. Yeah. And I guess just the general hustle bustle and the markets and everything when it's in Delhi is really thriving. Fascinating. It's fascinating. Lucky woman that she lives in Delhi. Isi ke saath, thank you so much. It was a pleasure. Absolutely loved it. Thank you. And I hope it wasn't too bad sitting on that side. It was a great experience. When I started out the interview, I was wondering, what is she going to ask me? And I realized ke I keep telling people I interview that just be relaxed and I'll ask anything. Bilkul. So, bilkul. Aapke saath mujhe bahut maza aaya aur dusri kursi bhi baith ke bahut zyada maza aaya. Thank you. Bahut shukriya. Isi ke saath Tazreen, waqt khatam ho gaya expert ka. Jaldi se jaake chhota sa apna koi aur kaam kar rahe hain. Mujhse dobara mulaqat aapki hogi Ghar Singhar mein in just about 2 minutes.